एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक शेरगढ़ में स्थित सुपटिया गांव पड़ाव। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने निर्देश चौधरी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1293 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 360 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 202 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 28 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर और 25 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, पुलिया व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खटंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं रिंगपाल सिंह, ग्राम प्रधान सुपटिया, प्रधानपति, ब्लॉक शेरगढ़, तहसील मिलगंज, जिला बरेली। गांव के हिसाब से जैसा भी लोग कहते हैं, सुनते हैं कि विकास के कार्यों में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने भी कार्य कराए हैं। खरंजा है, स्ट्रीट लाइटें हैं, सोलर हैं, और भी गांव वालों के लिए आवास विकास की जो भी मुझे कर मिला, पिल्चने हैं, जिस प्रकार से मुझ पर कर मिलता है उतना करता हूँ। जैसा सरकार पैसा देती है उसी हित में गांव वालों के साथ खर्च करता हूँ। अब कुछ काम ऐसे हैं जो प्रधान के नॉलेज में नहीं है, प्रधान से अब छीन लिया है, तो प्रधान चाह कर भी उन कामों को नहीं करा सकता। इस चक्कर में गांव में कोई कहता है कि प्रधान ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो ये तो सब बेकार की बात है। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य कि प्रधान के पक्ष में जो भी चीज़ है, अगर प्रधान उसको ना कराए तब प्रधान की गलती है। लेकिन जैसी सोच है, जैसा गांव, हर लोगों की सोच अलग अलग होती है, हर इंसान अपनी तरीका से अलग सोचता है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि जैसा सरकार मुझे देगी मैं वैसा अपने गांव के हित में खर्च करूंगा। जैसा भी आ रहा है उसे लगा रहा हूं, जैसे जहां लगना है वैसे काम करा रहा हूं। गांव की सहमति होती है, सदस्य हैं मेरे, बैठ के आपस में बात करते हैं कि बताओ कौन सा काम कहाँ है। जहाँ गांव वालों ने, चार आदमी ने, सदस्यों ने बता दिया, वहाँ मैं उसको विकास करता हूँ। लेकिन देखने को ये मिल रहा है, प्रधान करे तो करे क्या? एक 3500 रुपये के मानदेय में प्रधान क्या कर सकता है? अगर अपनी पे आ जाओ तो 3500 रुपये की चाय कम पड़ जाएगी प्रधान को पिलाने पिलाने। लेकिन फिर भी प्रधान बदनाम होता है कि प्रधान बहुत बचत करते हैं, ये करते हैं। अगर आज लोगों का तात्पर्य है, ये सोचते हैं कि प्रधान बचाता है, प्रधान मतलब गबन कर रहा है, तो आप नज़र उठा के देखिए कि गबन हो कहाँ रहा है। प्रधान गबन कर रहा है या प्रधान के ऊपर वाले गबन कर रहे हैं? अरे प्रधान का तो हिसाब बच्चे के पास होगा कि प्रधान ने क्या कराया, कितना पैसा आया, क्या है क्या नहीं है। तो गबन की स्थिति देखिए कि गबन कौन कर रहा है। जब आप इतिहास उठा के देखोगे गबन का, तो ऑटोमेटिक चोर आपके सामने आ जाएंगे। और क्या है जो मेरे गांव में, मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि मेरे गांव में पुल से लेके मेरे गांव के अंदर तक 500 मीटर तक PW रोड है। उस रोड पे इतनी भरी समस्या है कि बारिश में निकल नहीं सकते लोग। समस्या इतनी गंभीर है कि आज भी मैंने आपको वीडियोग्राफी कराई, देखे आपने कितना बड़ा उसमें पानी से जल भरा हुआ है कि आदमी अगर पैदल भी निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। ऐसे में बताओ गाँव के अंदर जहाँ PWD रोड है वहाँ प्रधान क्या कर सकता है? क्या PWD को रोड को ख़त्म करवाने के प्रधान अपनी ग्राम नीति से उसमें लागत लगा सकता है? नहीं लगा सकता। प्रधान क्या है? प्रधान का तात्पर्य कि प्रधान बस जाके एक एप्लीकेशन लगा के PWD में शिकायतें करना बस यही कर सकता है, लेकिन उन शिकायतों पर अमल नहीं हो रहा है। बदनाम कौन हो रहा है गाँव को? प्रधान, कि प्रधान के गाँव में कोई रिश्तेदार आता है ये कहता है बताओ कितनी कीच है, कितना कीचड़ भर रखा है। गालियाँ किसे मिलती है प्रधान को? लापरवाही किसकी है? सरकार की। तो इन चीज़ों को सरकार भी देखे कि प्रधान कोई बदनाम ना करे, जो भी है
थोड़ा अपने ऊपर भी लेके चले कि पीडब्ल्यू रोड का कोई मालिक प्रधान तो नहीं है, सरकार है, तो उसको देखे। जब प्रधान आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो सरकार को भी सोचना चाहिए प्रधानों के हितों के बारे में। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मानदेय को लेके आप प्रधानों पे हर लोग गबन का आरोप लगा देता है कि प्रधान गबन करता है, ये करता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप 3500 रुपये में क्या करेंगे? अगर प्रधान ने 1 लाख का काम कराया और उसमें 5000-10000 बचा भी लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? पहले भ्रष्टाचार को देखिए, देखिए कि प्रधान के साथ कौन कौन से अधिकारी क्या क्या करते हैं। प्रधान कोई चोर नहीं है, और ना प्रधान अगर चोरी करेंगे तो गांव का प्रधान कौन बना देगा? गांव का प्रतिनिधि है प्रधान, ग्राम का। चोर आदमी को कोई प्रधान तो नहीं बनाता, फिर भी प्रधान को चोर कहते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। आप जैसा पैसा देंगे प्रधान को वैसा ही वो विकास करेगा, सरकार से यही उम्मीद है। मेरे गांव में मैंने भी लैट्रीन 2015-16 में ये हुआ था, उसके बाद से मैं अब तक लैट्रीनों के प्रयास में लगा हूँ। अब जाके मेरी 224 लैट्रीनें पास हुई हैं, अभी भी पात्र छूटे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अब लैट्रीनों की समस्या है, आरोप फिर भी प्रधान पर लगते हैं कि इतनी कम लैट्रीन है, इतने क्या है। प्रधान का काम क्या है? प्रधान का काम है कि गांव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी ऐसा ना छूटे जिसे बाहर जाना पड़े। इस बीच में अगर कोई छूट भी जाता है तब भी प्रधान बदनाम। तो इन चीज़ों को थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए कि जो प्रधान जैसी लिस्ट दे रहा है उससे प्रधान से हट के अगर जाँच कराओ कि ऐसा नहीं प्रधान पार्टीबंदी के हिसाब से दे रहा है, तो उसी हिसाब से काम कर रहे सरकार, जिससे कि प्रधान को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरा नाम अमन चौधरी है, मैं ग्राम सुपतिया रहने वाला हूँ। मेरे गांव के प्रधान जी गांव का विकास सही करा रहे हैं और सब कुछ बढ़िया है, न लड़ाई है न कुछ, लाइट वोटे वगैरह और सब चीज़ खरंजी वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं और वैसे सही भी हैं और सब काम बढ़िया, लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं है किसी से, बस इतना ही। और जो हो पाता है वो करवाते हैं ज़रूर, नई सुविधा आती है तो वो भी करवाते हैं। ग्राम सुकटिया, मैं महेंद्र सिंह, ब्लॉक सहेगा तहसील मीरगंज। हमारे गांव में PWD रोड है, कई बार प्रधान जी ने प्रार्थना पत्र भी दिया है लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। बरसात के कारण उसमें पानी भर जाता है, गांव वाले बहुत परेशान हैं, निकलने की बहुत बड़ी परेशानी है। और इसको सुनवाई की जाए, समरवाया जाए सर।